मेरे चैनल लर्निंग स्कूल फॉर किड्स पीहू टॉयज में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूकेजी का मैथ का सिलेबस। देखिए स्कूल की जो बुक्स होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट पब्लिशर की होती हैं, ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है पढ़ाने का वो मैक्सिमम सेम ही होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ मैथ का सिलेबस बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा। मैथ्स में पहले तो जब बच्चों के स्कूल खुलते हैं तो शुरू में 15-20 दिन जो होते हैं ब्रिज कोर्स होते हैं। ब्रिज कोर्स वो होते हैं जो एलकेजी में बच्चों को पढ़ाए गए हैं उसका रिवीजन कराया जाता है। तो सो पुराना जो भी पढ़ाया जाता है उसको शॉर्ट वाइज में रिवीजन कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है यूकेजी का सिलेबस जो यूकेजी को पढ़ाने के लिए होता है, तो यूकेजी में क्या क्या पढ़ाया जाता है। फर्स्ट होता है नंबर सीक्वेंस, नंबर्स पढ़ाए जाते हैं बच्चों को। बिफोर आफ्टर बिटवीन का कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर किया जाता है। मिसिंग नंबर्स होते हैं, काउंट एंड राइट, जैसे ऑब्जेक्ट दिया तो उन्हें काउंट करना होता है, राइट करना होता है। शेप्स होते हैं, नंबर्स बच्चों की क्लास में जो नंबर्स नेम होते हैं ना वो 1 to 50 बच्चों को सिखाए जाते हैं। फर्स्ट में जो होता है 1 to 20 बच्चों को कराया जाता है, और सेकेंड में जो होता है 1 to 20 के बाद स्टार्ट किया जाता है 50 तक। शेप्स बच्चों को सिखाए जाते हैं, जैसे कि एलकेजी में शेप्स जो नॉर्मल शेप्स होते हैं स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्टार, ये सब सिखा दिए जाते हैं। जो मेन होते हैं जो 3D में होते हैं वो बच्चों को सिखाए जाते हैं, जैसे सिलेंडर, क्यूब, कोन एंड स्फीयर्स, ये जो शेप्स होते हैं ये बच्चों को सिखाए जाते हैं। फिर फाइंड द डिफरेंसेस बच्चों को बताए जाते हैं, दो ऑब्जेक्ट में डिफरेंस फाइंड करना। पैटर्न, बच्चों को पैटर्न समझने की कॉन्सेप्ट दी जाती है, जैसे दो कई पैटर्न्स बने हुए हैं, फिर उसको बताया जाता है इसके बाद क्या आएगा, वो पैटर्न्स बच्चों को बताया जाता है, सिखाया जाता है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग सिखाई जाती है, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर्स जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का नंबर्स बताना कि वो कौन सी प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पर है, सेकेंड प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पर, उसे कहते हैं ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। फिर डाटा हैंडलिंग सिखाई जाती है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू सिखाया जाता है बच्चों को, ठीक है। उसके बाद आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यूकेजी में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो बिना कैरी लिए और कैरी बिना कैरी वाले ही सिखाए जाते हैं, नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाए जाते हैं, ठीक है। आप दिखाती हूँ मैं सेकेंड बुक में क्या सिखाया जाता है। फिर सेकेंड बुक में आता है, तो सेकेंड बुक में हम सिखाते हैं मेजरमेंट करना, काउंटिंग जो होती है, क्वांटिटी में सिखाया जाता है, साइज में होता है, ठीक है। सिक्वेंसिंग, लेस एंड मोर का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, स्मॉल एंड बिग का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाया जाता है। फिर मेजरमेंट होता है हाइट का, लेंथ का, शॉर्ट टू टॉल, शॉर्ट टू लॉन्ग, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाया जाता है। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बच्चों का साथ में चलता रहता है, ठीक है। फिर वेट का होता है, फिर नंबर्स नेम है। देखिए पहले वाले में नंबर्स नेम जो होते हैं 1 to 20 होते हैं, सेकेंड में जो होता है 1 to 20 के बाद स्टार्ट किया जाता है 50 तक, ये नंबर्स नेम होते हैं, ठीक है। आता है मेजरमेंट कैपेसिटी, नंबर्स लाइन, ऑर्डिनल नंबर्स, वही फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 14th, 20th, ऐसे करके बताया जाता है, ठीक है। फिर शेप्स, पैटर्न बताया जाता है बच्चों को, डाटा हैंडलिंग और ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। काउंट एंड डिफरेंस, वर्ड प्रॉब्लम्स एंड प्लेस वैल्यू, कट प्लेस वैल्यू बच्चों को यूकेजी में सिखा दी जाती है, ठीक है। 1 की प्लेस वैल्यू और 10 की प्लेस वैल्यू बच्चों को यूकेजी में सिखा दी जाती है, ठीक है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो लिए हेल्पफुल लगा हो, जरा सा भी अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।